नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बंडोल एवं समस्त ग्रामवासी बंडोल के तत्वाधान में सप्त दिवसीय शिव महापुराण आध्यात्मिक प्रवचन माला के अंतिम दिवस पर पंडाल में जो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है, उन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का आध्यात्मिक रहस्य का शिव महापुराण की मुख्य वक्ता ब्रह्म कुमारी आशा दीदी ने बताया कि कैसे हम शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग से अपने जीवन में शिक्षा लेकर के श्रेष्ठ मानव का जीवन बना सकते हैं और शिव जी के अनुयायी बनकर पूरे मानव समाज का कल्याण कर सकते हैं। संतम दिवस के कार्यक्रम पर ब्रह्म कुमारी संस्थान सिवनी जिले की संचालिका ब्रह्म कुमारी ज्योति दीदी का जी भी आगमन हुआ। समस्त ब्रह्म कुमारी परिवार बंडोल और समस्त ग्रामवासियों ने ऐसी योगी तपस्वी आत्मा जिन्होंने सिवनी जिले में आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया है और शिव परमात्मा का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया और अनेक ब्रह्म कुमारी भाई बहनों की पालन कर रहे हैं। इस अवसर पर समस्त ग्रामवासी और ब्रह्म कुमारी इस परिवार की ओर से उनका भव्य स्वागत सम्मान और सत्कार किया गया, जिससे पूरा बंडोल शिव परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित हो गया और अंत में समस्त ग्रामवासी भाई बहनों और क्षेत्र से आए हुए सभी भाई बहनों को महाप्रसाद वितरण किया गया, जिसे सभी ने बड़े प्यार से उसे शिव परमात्मा की याद में स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाया। शिव महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का लगातार 7 दिनों से सफलतापूर्वक संचालन बंडोल क्षेत्र की क्षेत्रीय संचालिका ब्रह्मा कुमारी साक्षी दीदी जी के सानिध्य में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। क्षेत्र के सभी ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के भाई बहनों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के अपने तन मन धन से शिव परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचाया। के द्वारा बहता हुआ जाता है, मुख से ज्ञान की गंगा निकाली गई, ज्ञान समाहित किया भगवान ने, सबको बताया पानी की गंगा से शरीर की शुद्धि अवश्य होगी परंतु आत्मा ने पाप किया है हम सब जानते हैं। ये तो एक माध्यम है, गुस्सा आता है इधर अंदर तो हाथ उठता है, कोई ऐसे कर देते हैं, कोई ऐसे कर देते हैं, परंतु आता कहाँ है क्रोध? जोर से बोलो, हाथ में क्रोध आता है क्या? यहाँ आता है, तब जाके हाथ उठता है। सही बात है, पाप कौन करा रहा है?